बुआ द्वारा खोला गया दिव्य मार्ग आश्रम में जाकर खुला। अरमान बुआ को लेकर बाइक से उस दिव्य मार्ग के अंदर से बाहर निकला और उसने अपनी बाइक आश्रम के सामने लगाई और आश्रम के अंदर तेजी से बढ़ा। वहां काम करने वालों को अरमान हर बार मुस्कुराकर हालचाल पूछता, दो पल रुककर बातें करता और फिर ही अंदर की ओर जाता। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरमान बाइक से उतरकर बिना किसी से नजर मिलाए अंदर की ओर चल दिया। बाहर काम कर रहे लोगों को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने उलझन में एक दूसरे की ओर देखा और अपने काम में लग गए। अरमान अंदर जाते ही सुरभि का नाम लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में उसे ढूंढ रहा था, पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। सुरभि पीछे के आंगन में थी। उसे जैसे ही अरमान की आवाज आई, उसे पता चला कि अरमान उसे ढूंढ रहा है। वो मन ही मन खुश हुई, बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर की तरफ दौड़ पड़ी अरमान से मिलने के लिए। जैसे ही उसने अरमान को देखा, वो कुछ कह पाती उससे पहले अरमान ने सुरभि से सवाल किया, तुमने कहीं आयशा को देखा? ये सुनते ही सुरभि के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक पल में कहीं उड़ गई। उसके मन में जो अरमान से बात करने की खुशी थी वो आयशा के लिए नफरत में बदल गई। उसका मन गुस्से से भर उठा। उसने सोचा, आयशा आयशा आयशा, जब देखो तब उसी का जाप। ऐसा भी क्या है उसमें? दो पल भी क्या उसे याद किए बिना ये नहीं रह सकता क्या? मैंने कुछ पूछा तुमसे सुरभि, अरमान ने जोर से कहा। नहीं अरमान, आयशा तो यहां नहीं आई, आई होती तो मुझे पता चल ही जाता, सुरभि ने अपने गुस्से को निगलते हुए जवाब दिया। वो कुछ और कह पाते इससे पहले ही अरमान उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और सुरभि उसके पीछे चल पड़ी। अरमान अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही माँ मुस्कुराई और वो कुछ कह पाती उससे पहले अरमान बोल पड़ा, माँ आयशा को यहाँ देखा आपने? यहाँ आई थी वो? माँ ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं देखा। ये सुनते ही अरमान मुड़ा। तभी अभिलाषा ने अरमान से कहा, अरे बेटा दो मिनट बैठो तो, बात तो करो। अरमान ने जवाब दिया, नहीं माँ अभी नहीं, अभी बहुत टेंशन में हूँ। किस बात की टेंशन? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। आयशा कहीं चली गई है, मैंने और बुआ ने हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये कहकर अरमान उस कमरे से बिना अभिलाषा का उत्तर सुने बाहर आ गया। बाहर काम कर रहे सभी लोगों से अरमान ने ये सवाल किया, पर सबने एक ही जवाब दिया कि किसी ने आयशा को नहीं देखा था। ये सुनके बुआ और अरमान और भी चिंतित हो गए और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अरमान एकदम हड़बड़ाहट में उठा और फिर से काम करने वालों के पास गया और उनको बताया कि वो राक्षसी रूप में आई होगी और आप लोगों ने शायद उसे पहचाना ना हो। पर सब ने इनकार कर दिया और अरमान हताश होकर पेड़ के नीचे बुआ के पास जाकर बैठ गया। सुरभि अरमान की बेचैनी चिंता सब देख रही थी। उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि अरमान आयशा के लिए इतनी कोशिशें करें। उसके मन में आयशा के लिए नफरत आज और बढ़ चुकी थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सुरभि को पता नहीं था कि अरमान आयशा के बीच कितना मजबूत रिश्ता था, पर फिर भी वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। वो ये सारी बातें जानते हुए भी नजरअंदाज कर रही थी और अरमान को गुस्से से दूर से देख रही थी। उतने में अभिलाषा भी अंदर से बाहर आकर अरमान और बुआ के पास आ बैठी और आयशा के बारे में पूछताछ की। बुआ ने अरमान से कहा, देखो अरमान, वैसे तो राक्षसी रूप में आकर आयशा को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए उसे राक्षसी शक्तियों के उपयोग का भी अनुभव नहीं है। पर अगर आयशा ने दिव्य रास्ते को खोलने के बारे में जैसे तैसे सीख लिया हो तो वो आश्रम को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। और जाएगी भी क्यों और कहां? और जितना मैं उसे जानती हूं वो गुस्से में यहीं आ सकती है, पर यहां तो। बुआ ने सिर पर हाथ रखकर सिर नीचा कर लिया। अभिलाषा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और अरमान ने भी बुआ से कहा, बुआ आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। पर सच्चाई तो ये थी कि अरमान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कहां जाया जाए और कहां उसे ढूंढा जाए। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। अरमान को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस सारी परिस्थिति के लिए सिर्फ खुद को कोस रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैंने बुआ को मैसेज भेज दिया होता तो आज आयशा उसकी नजरों के सामने होती, उसके साथ होती। तभी अचानक अरमान के दिमाग में ख्याल आया और वो बोल पड़ा, एक रास्ता है। ये सुनते ही बुआ में भी थोड़ी उम्मीद जागी और उन्होंने अरमान से पूछा,
क्या रास्ता है अरमान, जल्दी बताओ। अरमान ने जवाब दिया, हम विजयदेव की सहायता ले सकते हैं। वे कुछ देवों को उनकी दिव्य शक्तियों की सहायता से आयशा को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। बुआ थोड़े उत्साह में आकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई अरमान, जल्दी से विजयदेव को बुला लो। अरमान ने आंखें बंद करके विजयदेव से संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ पलों में विजयदेव वहां प्रकट हुए और विजयदेव ने अरमान से बड़ी चिंता में कहा, क्या हुआ अरमान, इतनी शीघ्रता में संदेश क्यों भेजा, सब ठीक तो है ना? अरमान ने बड़े ही तनाव भरे स्वर में विजयदेव से कहा, देव, आयशा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, और नजरें नीचे कर ली। अरमान को इतना हताश निराश विजयदेव ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। ये वो अरमान बिल्कुल नहीं लग रहा था जिसने विजयदेव को बचाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कालनाथ के गढ़ में जा घुसा था। विजयदेव ने कहा, आश्रम अच्छे से देख लिया, सबसे पूछ लिया? हाँ, अरमान ने बिना सिर उठाए कहा, ठीक है, मैं कुछ देवों को बुलाता हूं, वे अपनी दिव्य शक्तियों से आयशा को ढूंढने की कोशिश करेंगे। विजयदेव ने सारे देवों को तुरंत वहां बुलाया और चारों दिशाओं में जाने को कहा, और आयशा को एकदम बारीकी से ढूंढने के आदेश दिए, और वे देवगण तुरंत ही आयशा को ढूंढने निकल पड़े। अभिलाषा ने अरमान और बुआ के लिए पानी मंगवाया और उनसे पीने के लिए कहा। विजयदेव को अरमान एक बालक समान प्रतीत हो रहा था, क्योंकि विजयदेव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अरमान गुरु तो मानता ही था, पर उन्होंने अरमान के जीवन में एक पिता जैसी भूमिका भी निभाई थी। अरमान को अपने पिता का सुख विजयदेव ने ही दिया था, इसलिए अरमान को ऐसी स्थिति में सिर्फ विजयदेव याद आए। आशा की तलाश में आठों दिशाओं में जा चुके देवगण उसको दिव्य दृष्टि से ढूंढ रहे थे, पर किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। उसके साथ ही वे अपनी दिव्य शक्ति से आयशा के निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा। सारे देवताओं ने बहुत देर आयशा की तलाश की, एक एक कोना छान मारा, पर किसी के हाथ कुछ नहीं आया। सारे देवता एक एक करके वापस विजयदेव के पास जाने लगे। सबके मुख से जब एक ही बात सुनाई पड़ रही थी, तब अरमान और बुआ और भी चिंतित हो उठे। बहुत देर बाद सारे देवता वापस आ चुके थे। अरमान को एक पक्का यकीन था कि देवगणों के पास दिव्य शक्तियां होने के कारण देवगण आयशा को ढूंढ ही लेंगे, पर अब यह आखिरी आशा की किरण भी नाकाम हो चुकी थी। बुआ ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब एक ही है, शायद जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। अरमान बिना एक क्षण रुके बोल पड़ा, क्या नहीं होना चाहिए था बुआ, क्या हुआ, पूरी बात तो बताइए। बुआ ने कहा, हो सकता है भैया ने आयशा को अगवा किया हो। ये सुनके सब चौंक गए। अरमान ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बुआ बोली, मैं भैया को जानती हूं, भैया के पास कुछ ऐसी जगह है जहां देवताओं की दिव्य दृष्टि नहीं पहुंच पाती, और दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उस जगह को ढूंढना असंभव है। ये सुनते ही अरमान गुस्से से भर गया और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी आयशा को वहां से छुड़ा कर लाऊंगा। ये कहकर अरमान उठ खड़ा हुआ। तभी विजयदेव ने अरमान से कहा, रुको अरमान, अभी ये करना ठीक नहीं होगा। अरमान ने विजयदेव से कहा, क्षमा करे विजयदेव, पर अगर इसी वक्त आयशा को वहां से नहीं लाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। कालराज उसको कभी भी मार सकता है, उसने ये प्रयास पहले भी किया है और अब भी करने से पीछे नहीं हटेगा, मुझे जाना ही होगा देव। ये सुनके विजयदेव बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अरमान, पर हम अभी कालराज के पास संधि लेकर जाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने संधि ले जाने में देरी की तो कालनाथ पता नहीं क्या कर बैठेगा, कितने ही मासूम मनुष्यों की जान चली जाएगी, त्राहिमाम मच जाएगा। ये संधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अरमान। इस पर अरमान ने विजयदेव से कहा, आपकी बात को मैं नकार नहीं रहा देव, पर ऐसे वक्त पर जब आयशा का आता पता नहीं हो, जब मुझे पता है कि आयशा कालराज की काल कोठरी में बंद है और उसकी जान को हर पल खतरा है, मैं कालराज के पास संधि लेकर कैसे जा सकता हूँ देव? मेरे दिमाग में तो सिर्फ आयशा की सुरक्षा की बात होगी, ऐसे समय पर मैं उस कपटी कालराज की ओर मित्रता का हाथ कैसे बढ़ा सकता हूँ? उसे देखते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान को पार कर जाएगा देव। विजयदेव को अरमान की बात ठीक लगी, लेकिन उनके पास कालराज के पास संधि करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी कुछ देर सोच में पड़ गए और इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं
उसका विचार करने लगे। उस तरफ कालनाथ की बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ रही थी। उसने सेनापति चंद्रहास को कुछ दिन तैयारियां करने को तो कहा था, पर कालनाथ अब सारी तैयारियां खुद की आंखों से देखना चाहता था। जब से उसने सेनापति को सारी तैयारियां करने को कहा था, तब से सेनापति सभा में नहीं आए थे। वे दिन रात एक करके तैयारियों में लगे थे, इसलिए कालनाथ ने सेनापति को सभा में बुलवाया। सेनापति सभा में दौड़े भागे चले आए। कालनाथ ने उनसे बड़े उत्साह में पूछा, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है सेनापति जी? सेनापति ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज आपके दिए हुए समय तक तो हो जाएगा, चिंता मत करिए। इस पर कालनाथ ने कहा, आपके होते हुए हमें किस बात की चिंता, पर हमें अपनी आंखों से तैयारियां देखनी है। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक है, पर हमारी जिज्ञासा को हम और अपने काबू में नहीं कर सकते। इस पर सेनापति ने कहा, जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको सारी तैयारियां दिखाता हूं। कालनाथ आसन से उठता है और सेनापति के साथ समुद्र के पास, जहां सारे जानवर रह रहे थे, जहां सारे वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्रों पर काम कर रहे थे, वहां पहुंचे। कालनाथ को सेनापति चंद्रहास सबसे पहले वहां ले गया, जहां अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। उसे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कई विविध प्रकार के शस्त्र दिखाए गए, उनकी खासियत बताई गई। कालनाथ को देखकर बहुत खुश हुआ और उसको इस बात पर यकीन हो गया कि काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर कालनाथ को सेनापति चंद्रहास जहरीले सांपों के कक्ष में लेकर गया। हजारों की संख्या में विशाल टंकियों में ये जहरीले सांप रखे हुए थे और वे सभी अपने फन फैलाकर हंस की आवाज कर रहे थे। सेनापति ने कालनाथ को दिखाया कि कहां से इन्हें बाहर छोड़ा जाएगा। सेनापति चंद्रहास ने कालनाथ से कहा, आपका आदेश पाते ही वहां पर उस तरफ जो आप जंजीर देख रहे हैं उसे ऊपर उठाया जाएगा। उसके ऊपर उठाते ही समुद्र का सारा पानी कक्ष में भर जाएगा और पानी के कक्ष में भरते ही सारे सांप अपने आप तैरने लगेंगे और कुछ ही समय में सारा समुद्र इन जहरीले सांपों से भर जाएगा। सिर्फ आपका आदेश पाने की देरी है। फिर कालनाथ को सेनापति उस विशाल जानवर के कक्ष में ले गया, जिसपे कालनाथ को बहुत नाज था, और वहां पर ले जाकर सेनापति चंद्रहास ने कहा, जानवर पूरी तरह से तैयार है और बाहर जाने के लिए मचल रहा है। युद्ध शुरू होते ही इसे भी बाहर छोड़ देंगे और देखते ही देखते कुछ ही समय में आधे से ज्यादा पृथ्वी की जनसंख्या कम हो जाएगी। ये सुनकर कालनाथ ने कहा, नहीं सेनापति, ये इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे एक बार छोड़ देंगे तो इसे हम खुद नहीं संभाल पाएंगे। तो इसे कब तक यहां रखेंगे महाराज? अभी अच्छा मौका है, सेनापति ने कहा। इस पर कालनाथ बोला, चूहों को मारने के लिए तोप के गोले नहीं छोड़े जाते, उसी तरह इंसानों को मारने के लिए इस महान जानवर को छोड़ना बेवकूफी होगी। सही समय आने पर इसे छोड़ेंगे और इसका प्रयोग देवताओं पर और फिर मेरे परम शत्रु काल के राक्षसों पर करेंगे। ये जानवर हमारे लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये सुनकर सेनापति मुस्कुराया और उसने कहा, आपकी ये बात एकदम उचित है महाराज, ऐसा ही होगा। वहां कालराज ने अपनी मंशा बना ली थी। उसकी योजना के अनुसार उसे आयशा की जरूरत थी। अगर आयशा उसे मिल गई तो उसकी सारी योजनाएं सफल हो जाएगी। उसने ठान लिया था कि आयशा को आश्रम से अगवा करके लाना ही होगा, पर इस कार्य के लिए वो किसी भी दानव पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि आयशा कितनी अधिक शक्तिशाली थी, कोई दानव उसके सामने नहीं टिक सकता था। इसलिए उसने खुद जाकर आयशा को अगवा करने का फैसला किया। वो अपने आसन से उठा और मारीच और अन्य कुछ राक्षसों के साथ आश्रम जाने के लिए दिव्य द्वार खोला और उसमें चला गया। जैसे वो आश्रम पहुंचा, वहां सामने ही उसे अरमान, विजयदेव, बुआ दिखाई पड़े। उसी वक्त अरमान, बुआ और विजयदेव ने वहां पर कालराज को देखा और एकदम से हैरान रह गए। कहा होगी आयशा? क्या अरमान कालराज की बातों पर यकीन करेगा जब कालराज ये बताएगा कि वो आयशा को ढूंढने ही आश्रम आया था? क्या कालराज इन सब की बातों पर यकीन करेगा जब उसे पता चलेगा कि आयशा कहीं नहीं मिल रही? और क्या आतंक फैलाने वाला था कालनाथ
जिससे सब तबाह होने वाला था। जानने के लिए सुनते रहिए।